हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ लौकी के जूस के बारे में। लौकी के जूस के दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और इस वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी मैं एक रेसिपी कि कैसे आप लौकी का जूस बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट है वेट लॉस। अगर आप गर्मियों में वेट लूज करने की सोच रहे हैं तो लौकी का जूस आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लौकी का जूस आपको बहुत देर तक फिल रखता है, ये आपकी भूख को कंट्रोल करता है और लौकी के जूस में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो आपकी वेट लॉस में बहुत मदद करते हैं। सेकंड बेनिफिट है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो लौकी का जूस आपके लिए वरदान है। इसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, पोटेशियम, आयरन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तीसरा दोस्तों, लौकी का जूस अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो लौकी का जूस आपको खाली पेट जरूर कंज्यूम करना चाहिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजॉल्व फाइबर्स होते हैं जो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका चौथा बेनिफिट है दोस्तों लीवर। अगर आपको लीवर में स्वेलिंग है, लीवर में स्वेलिंग होती है अगर हम ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाते हैं, अगर हम बहुत ही हाई मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो हमारे लीवर में स्वेलिंग हो जाती है। उसके लिए हमें जरूरी है कि हम लौकी का जूस पिए, उससे हमें बहुत फायदा होता है। और दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में बहुत हीट है, उस जिसकी वजह से आपको इनडाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको हेडेक होता है, तो लौकी का जूस पीने से आपको बहुत फायदा होगा। तो हमने इसके बेनिफिट्स के बारे में तो सुन लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम दोस्तों लौकी लेंगे, लौकी को हम छील लेंगे। ये मेरा अर्ली मॉर्निंग का वीडियो है, वॉक करने के बाद मैं लौकी का जूस लेती हूँ। अगर हम सुबह खाली पेट लौकी का जूस लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा करता है। छिलने के बाद हम लौकी को पीसेस में काट लेंगे और काटने के बाद इसे हम वॉश कर लेंगे। ये देखिए, हमने लौकी को वॉश कर लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और इसमें हम लौकी को डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ ग्लास वाटर और इसके बाद हम इसे मिक्सर में रख कर ग्राइंड कर लेंगे। हमारी लौकी ग्राइंड हो गई है, इसे हम निकाल कर अब छलनी से छान लेंगे। ये देखिए, छानने के बाद इतना आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक लेमन। अगर आप बिना लेमन के पीना चाहें तो पी सकते हैं, पर क्योंकि नींबू भी एक अच्छा फैट कटर है और अगर आप इसे लौकी के जूस में मिक्स करेंगे तो आपको पीने में भी थोड़ी आसानी होगी, इसका टेस्ट थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। हमारा लौकी का जूस रेडी हो गया है, इसे मैं इंजॉय करूँगी आज के बढ़िया से वेदर के साथ। आज का मौसम देखिए बाहर बहुत ही सुंदर है, तो आप भी इसे बनाइए और ज़रूर ट्राई करिए।
थैंक यू।